बोलपुर का स्ट्रेंजर थिंग्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज और आज की कहानी कुछ इस तरह है कि अभी हम लोग जा रहे हैं अलाहाबाद। अलाहाबाद इज नाउ नोन एज प्रयागराज। योगी जी नॉट कमिंग स्लो। वी लव काउज। ये कहां आप चले आ रहे हैं भाई साहब? ये तो गलत बात कर दी आपने एकदम। अभी हम लोग जा रहे हैं भरौटी, एक जगह का नाम है, और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। ससुराल मतलब मैं अपनी साली साहिबा के पास जा रहा हूँ, और वहाँ पे हम लोग बहुत टाइम से नहीं गए, मतलब मैं कभी नहीं गया। जब से शादी हुई है बहुत बार बुलाती रहते हैं वो लोग, लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो इस बार हम लोग जा रहे हैं और गांव वाला थोड़ा सा फील आपको देखने को मिलेगा इस वाले व्लॉग में, जैसे आप अभी देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत से सफ़र हम लोग में है और बारिश हो रही है हल्की हल्की। बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन ग्रीनरी है, मज़ा आ रहा है। बहुत लॉन्ग ड्राइव है और हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे सेफली, और आपको गाँव वाली थोड़ी सी लाइफ दिखाएंगे, गाँव में कैसा होता है। रूरल लाइफ थोड़ी सी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। शहर के हसल बसल में तो आप लोग रहते हैं हर वक्त, गाँव का नहीं देख पाते होंगे। हम दिखाएंगे आपको, नॉट कमिंग स्लो। तो स्टे ट्यून्ड और बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। हम रेडियो जॉकी बन गए एकदम। जब पहुंचेंगे वहां पे तो हमारी थोड़ी खातिरदारी भी होगी, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेट खाली भी रखा। चाय पीने का वैसे बड़ा मन हो रहा है मेरा बहुत देर से, लेकिन फिर सोचा कि वहीं जाके पियेंगे चाय। और चाय तो मैं बहुत पीता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी मैं आपके घर आया सब्सक्राइबर मीट पे, कभी हम लोग मिले तो मेरे लिए चाय का इंतजाम जरूर रखिएगा आप लोग। सो अभी हम लोग गाँव में एंटर हो चुके हैं। रोड देखिए आप, रोड में एकदम ही ड्रास्टिक चेंज आ गया है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा ये गाँव की लोकेशन है। और इधर उधर देखिए पॉन्ड एक छोटा सा दिखेगा और रोड दिखेगी। तो वेलकम टू द विलेज एवरीवन, यो बेबी। अमूमन आप लोग गांव आ नहीं पाते होंगे, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको गांव में आके हमारे साथ कैसा लग रहा है। गांव भी घुमा रहे दिखे आपको, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए मतलब एकदम इंशाल्लाह लंदन मिले जाएंगे आप लोग को एक दिन, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। कच्ची रोडे और कच्चा बनियान ये आपको गाँव में बहुत मिलेगा। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा कच्ची रोड। वाह यार, वो देखो कितना अच्छा, वो देखो वेल, दैट इज क्वाइट वेल एंड दैट्स वेल। Oh my God, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी रोड पे जाना है, पतली पतली रोड है। ये छोटे छोटे बच्चे, गांव के इत्मीनान वाली जिंदगी आप देखिए, लोग सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मैं पंचायत देख रहा हूँ अमेज़न प्राइम पे। हाँ तो भाई, ये हमने खड़ी कर दी अपनी गाड़ी और ये है उनका घर जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा गांव का एरिया है। ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, बड़ा अनयूजुअल चीज़ लगती है हम लोग को। ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं शहर में। मिट्टी के बर्तन में, यू कैन सी दिस, गाँव के मज़े। मिट्टी के बर्तन में हम लोग, क्या ये मटन, मटन मटन खा रहे हैं। दिस इज तंदूरी रोटी एंड मटन। अरे वाह, काफी बिना ब्रेक की साइकिल। ये देखिए हम लोग आए हैं बुधा घर में। ये सब भी आपको गांव में देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग उतर रहे हैं। अरे वाह यार, क्या ही व्यू है, क्या ही व्यू है। और इन्होंने बताया है भाई साहब ने कि यहाँ पे आता है एक जानवर, उसका नाम है क्या,
बिगवा, बिगवा नाम है और बता रहे हैं कि चीते से भी खतरनाक होता है और एकदम फाड़ देता है। और कह रहे चलिए देखते देख के आते हैं, तो हम अपने आप को फड़वाने जा रहे हैं। ये इन्होंने हमें गाँव बुलाया है ताकि हम ये हमें चिरवा सकें, फड़वा सकें। तो ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं गाँव का। फिर मत बोलिएगा भाई मैंने दिखाया नहीं, ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं, गाँव का पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि शहर में नहीं मिलती ना ये सब चीज़ें यार। कंक्रीट जंगल, इट्स अ कंक्रीट जंगल एंड दिस इज रियल जंगल। तो बड़ा खूबसूरत खूबसूरत आपको चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और पैसे भी नहीं ले रहा हूँ आपसे, फ्री में, नॉट कमिंग स्लो। शहर में आपको नहीं मिलेंगी विचित्रता, इसकी मैं आपको दिखाता हूँ, दैट्स हाउ पिक्यूलियर इट इज। और इसको जितना भी आप छोटा करते जाएंगे इसकी आवाज चेंज होती जाएगी। देखिए कर्तव्य मेरा चीता नहीं, उसे बिगवा कहते हैं। चीता मतलब चीता जैसे रहता है, कुछ नहीं, भाग जाते हैं ये एक तरीके के, समझ ली। एक यहाँ पे वो क्या कहते हैं, एक बिगवा हो गया, एक सीआरसीआर लोमड़ी को कहते हैं, लोमड़ी है यहाँ पे ऊपर। ये कौन सा परिंदा है? मैं ऐसे मैं एकदम ऐसे एक्ट कर रहा हूँ कि जैसे मैं आई एम फ्रॉम अमेरिका, आई हैव जस्ट लैंडेड इन इंडिया एंड आई एम एट अमेरिका, देयर इज अ विलेज, फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग अ विलेज एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आई हैव नेवर सीन बिफोर, सो आई एम शोइंग इट टू यू ऑल एंड आई एम फ्रॉम ओ क्या है वो जगह का नाम यार। ये इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर के साथ मेरे खेलना थोड़ा मुश्किल है। ये देखिए गांव की सबसे मेस्मराइजिंग चीज कुआं, लेकिन कुएं में पानी की जगह कुछ और है। ओ माय गॉड, अब हम लोग जा रहे हैं, ट्रिक करके दिखा रहे हैं। जा, जा, अब हम लोग जा रहे हैं गिल्ली डंडा खेलने। गिल्ली डंडा मैंने आज तक नहीं खेला है, मुझे रूल्स भी नहीं पता है, तो हो सकता है आपको भी ना पता हो, तो मैं आपको भी रूल्स बताता हूँ। रूल्स बताओ भाई गिल्ली डंडे के। मेरा खेत प्रश्न। अच्छा ये आपके खेत हैं? अच्छा ये पूरी अपनी जमीन है? हाँ तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं इफ्को, जो आपने नाम सुना होगा इफ्को टोक्यो। तो इफ्को जो कंपनी है वो यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो फर्टिलाइजर्स बनाती है। तो मेरे साढ़ू साहब जो हैं वो यहाँ पे मुझे घुमाने के लिए लाए हैं। तो ये मेन गेट पीछे आपको दिख रहा होगा, ये फैक्ट्री है इफ्को। तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, उन्होंने खेत वेत भी अपने दिखाए, खूब काफ़ी माशाल्लाह ज़मीनें उनके पास हैं और मार्केट भी एक पूरी उनकी बनी हुई है। तो बड़े आदमी हैं हमारे साढ़ू साहब। अब इस जो गांव में हम लोग आए हुए हैं उसके प्रधान रह चुके हैं ये प्रधान। आपने पंचायत देखी होगी तो आपको पता होगा प्रधान का कितना बड़ा रुतबा होता है, नेता नगरी में भाई ज्यादा है। स्ट्रेंजर थिंग्स डेमोगॉर्गन। हाँ तो भाई अभी रात में बहुत देर नहीं हुई हालांकि, लेकिन गांव में जल्दी लोग सो जाते हैं, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं जल्दी तो नहीं सोएंगे, अभी मूवी देखने का प्लान है। अब देखते कौन सी मूवी देखेंगे, लेकिन अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। कल की भी अभी कहानी बाकी है, तो कल की कहानी आपको कल वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो आज के ब्लॉग में आपको कैसा लगा, हम लोग के साथ हम लोग की गाँव की ट्रिप कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग अगले दिन की कहानी के लिए। एंड तब तक के लिए चाले हो। Thank you.
बता दें। तो अभी टाइम जो आप देख रहे हैं वो अभी 6:45 ही हुआ है। अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो गया, 7 बज गया होगा, लेकिन 6:45 हुआ है। लेकिन मौसम इस वक्त इतना अच्छा हो रहा है तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी देख के बड़ा मजा आएगा। अभी और इस तरह के आपको लैंडस्केप्स और व्यूज दिखाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। देख सकते हैं आप बेहतरीन व्यू खूबसूरत गाँव का, द ग्रैंड इंडियन विलेज लाइफ।